नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपको जीवन भर याद रहेगी, आप उसको नहीं भूल पाएंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगी। जी हाँ, प्रोटोजोवा से होने वाले जो भी रोग हैं उनके नाम एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की जो तो ट्रिक क्या है, कल आम पानी में पका। ट्रिक है कल आम पानी में पका। जी हाँ, तो कल आम पानी का सिर्फ पा ले लेंगे और ये नहीं हो जाएगा अलग, ठीक है, में और ये हो जाएगा पका। तो कल से आपका क्या हो जाएगा, कल से आपका हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो रोग है वह प्रोटोजोवा के कारण ही होता है। आम आम से आपका हो जाएगा अमीबी पेचिस। अमीबी पेचिस में होता क्या है, डायरिया हो जाता है और पेट पेट में आंतों में एटेंसी होती है, दर्द होता है और स्विलिंग आ जाती है आंत पे। पासे आपका हो जाएगा पायरिया। पायरिया में जो हमारे गम्स होते हैं उनमें खून आने लगता है और बदबूदार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर हम कुछ खाते हैं ठंडा वो भी लगता है, मीठा खाते तो वो भी लगता है, ठीक है, ठंडा गर्म भी लगता है पायरिया में। नी से आपका हो जाएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग बहुत से ऐसे पेशेंट्स हो जाते हैं जिनको नींद नहीं आती, तो वो भी किसके कारण होता है, अमीबा की प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, ठीक है। मे से आपका हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो भी प्रोटोजोआ से ही होता है, जिसमें मच्छर जो होता है वो एनाफिलेस मच्छर जो मादा होती है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको ट्रांसप्लांट करती है, ठीक है, तो मलेरिया इससे हो जाता है। पका आपका आता है तो ये सिर्फ पेचिस होती है, ये नॉर्मल पेचिस होती है, ये भी इसी वजह से होता है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। और हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे इससे अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।